महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 में भारतीय महिला टीम आज अपना चौथा मुकाबला खेलने इंग्लैंड के खिलाफ उतरी। यहां इंग्लैंड टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला की। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी, लेकिन भारत की शुरुआत बेहद ही खराब रही। भारत का पहला विकेट 18 रन पर यास्तिका भाटिया के रूप में गिरा। उसके बाद मिताली राज भी 1 रन बनाकर आउट हो गई। मिताली राज के बाद दीप्ति शर्मा भी 0 रन पर आउट होकर पवेलियन लौट गई। तो पिछले मैच में शतकीय पारी खेलने वाली हरमनप्रीत कौर भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकी और 14 रन बनाकर वह भी पवेलियन लौट गई। वहीं स्नेह राणा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गई। भारत की स्थिति काफ़ी खराब हो गई। भारत मात्र 71 रनों पर 6 विकेट खो दिए। भारत की तरफ से सर्वाधिक स्मृति मंधाना 35 रन और ऋचा घोष 33 रन की पारी खेलने में सफल रही। अंत में भारत की अनुभवी खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने 20 रनों की पारी खेलकर 36.2 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 134 तक भारत का स्कोर पहुंचा दिया। अब इंग्लैंड को इस मैच को जीतने के लिए 135 रनों का लक्ष्य मिला है, जो इंग्लैंड जैसी टीम के लिए बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। भारत की इस मैच में स्थिति बेहद ही खराब है। इस वर्ल्ड कप से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।